Assalamualaikum dear students, welcome back. I hope you all are fine and safe to the best. Last time we studied about deserts and its types. हमने deserts के बारे में पढ़ा और deserts की types के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे climate के बारे में कि deserts का climate कैसे होता है, मतलब वहाँ की आबो हवा, वहाँ का मौसम, वेदर कंडीशंस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. पेज नंबर इज 16. ऑल डिजर्ट्स हैव वेरी लो रेनफॉल. तमाम जो सहरा होते हैं जितने भी, उनमें बारिश बहुत ही कम होती है, लेस देन 50 cm, 50 cm से भी कम इन अ ईयर, साल में. एंड समटाइम्स देयर इज़ नो रेन फॉर सेवरल ईयर्स, और कभी कभी कई सालों तक बारिश होती ही नहीं है. इन कोल्ड डिजर्ट्स द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 5°C ड्यूरिंग विंटर्स. जो ठंडे सहरा होते हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो 5°C से कम होता है. और इन हॉट डिजर्ट्स टेम्परेचर्स अप टू 60°C हैव बीन रिकॉर्डेड. और जो गर्म सहरा होते हैं जिनमें गर्मी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर 60°C तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है. इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन में गर्मी होती है, बट द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट, और रात में टेम्परेचर गिर जाता है. दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द डे, दिन में द लैंड हीट्स अप वेरी क्विकली. जो सहरा की ज़मीन होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म होती है. एट नाइट, और रात में द हीट एस्केप्स क्विकली टू, और रात में ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है. गॉट इट. द लोकल विंड्स इन अ डेजर्ट आर यूजुअली ड्राई एंड डस्टी. जो सहरा में हवाएं चलती हैं ना, वो अक्सर खुश्क और गर्द आलूद होती है. दे मेक लाइफ वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है वहाँ पर. These winds have local names. इनके local नाम होते हैं. In the northern Sahara, they are called the Khemse. Local northern Sahara में इन हवाओं को क्या कहते हैं? Khemse. In the south, the Hamiton. South में क्या कहते हैं? Hamiton. In the Mediterranean, they are known as Sirocco. और मेडिटेरेनियन में क्या कहते हैं इन हवाओं को? सिरोको. द विंड इन अ सॉरी समटाइम्स देयर आर व्हर्लविंड्स, समटाइम्स देयर आर सैंडस्टॉर्म्स. कभी कभी सहरा में व्हर्लविंड्स होते हैं. अब वर्लविंड्स किसे कहते हैं बेटा? बवर, गोल गोल जो हवा घूमती है ना, जब तूफान आता है हवा गोल गोल घूम रही होती है एक जगह पे, उसे वर्लविंड्स कहते हैं, ठीक है, उर्दू में बवर कहते हैं इसे. एयर दैट इज मूविंग राउंड एंड राउंड. समटाइम्स देयर आर सैंड स्टॉर्म्स, और कभी कभी रेत के तूफान होते हैं. द विंड इन अ सैंड स्टॉर्म इज सो स्ट्रांग दैट द सैंड इज ब्लोन ऑल ओवर द प्लेस. और रेत के तूफान की में जो हवा होती है ना, वो इतनी ताकतवर होती है कि सहरा में जो रेत होती है उसे बिल्कुल हर जगह पे फैला देती है. ओके, अभी हम पढ़ेंगे लैंड. जो डेजर्ट सहराओं की लैंड होती है वो कैसी होती है, ज़मीन वहाँ की कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट. अगर हम ज़मीन, अर्थ की जो ज़मीन है ना, उसके 5 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा जो है वो डेजर्ट्स हैं, ठीक है. 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड्स सॉरी 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट. अगर आप ज़मीन के 5 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा जो है वो हमारे पास डेजर्ट्स हैं, वो सहराओं पे मुश्तमिल है. बट नॉट ऑल डेजर्ट्स आर सैंड्स, मगर ये ज़रूरी नहीं कि तमाम सहरा वो
रेत पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। सम और रॉकी, कुछ ऐसे भी सहरा हैं जो कि पथरीले हैं, ठीक है, वहाँ पे रेत नहीं है। सम डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय टू मच कल्टीवेशन, वो आपको ये बता रहा है कि भाई कुछ डेजर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काश्तकारी की वजह से भी बन जाते हैं। When good fertile land is used for too long, जब एक ज़रखेज़ ज़मीन को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए, too many trees are cut down, और बहुत सारे दरख्त जो हैं वो काट दिए जाते हैं, and all the water is used up, और तमाम पानी सारा पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है, the land becomes barren, तो क्या होता है वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फसल नहीं देती। बेरन का मतलब जब ज़मीन फसल ना उगाए मज़ीद, एंड अनप्रोडक्टिव, और अनप्रोडक्टिव हो जाती है। डेजर्ट्स आर आल्सो क्रिएटेड व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स ईट अप ऑल द वेजिटेशन, डेजर्ट्स एक और वजह से भी बनते हैं, किस वजह से, व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स, जब ग्रेजिंग एनिमल्स, व्हाट आर ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले एनिमल्स, ठीक है, चरने वाले जानवर, जानवर जो चरते हैं ना, घास वगैरह खाते हैं फील्ड्स में, ग्राउंड्स में, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है कि व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स ईट अप ऑल द वेजिटेशन, तमाम सब्जा खा लें ना, एंड द लैंड ग्रेजुअली बिकम्स पेरन, और ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाती है, खुश्क हो जाती है। द ड्राई सॉयल इज़ ब्लोन अवे बाय द विंड्स, तो वो जो खुश्क ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसे ब्लोन अवे बाय द विंड्स, ठीक है, उसे हवा भी मज़ीद ख़राब कर देती है, एंड प्लांट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो देयर, और वहाँ पर मज़ीद पौधे फिर नहीं उगते। एंड सैंडी डेजर्ट्स, जो रेतले सहरा होती हैं जहाँ पे सेंड होती है रेत, द सेंड इज़ नॉट ऑलवेज फ्लेट, जो रेत है वो हमेशा फ्लेट नहीं होती, ठीक है, क्रीसेंट शेप्ड, क्रीसेंट का मतलब कर्व नुमा, ठीक है, क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, कर्व नुमा ड्यून्स बन जाते हैं बाय द विंड, हवा की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ड्यून्स क्या होते हैं, यू कैन सी हियर, इनको हम क्या कहते हैं, ड्यून्स, डी यू एन ई एस, ड्यून्स, रेत के बने होते हैं ये, ठीक है। सो क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय द विंड, एंड डेजर्ट्स इन द मिडल ईस्ट देयर आर ड्राई रिवर बेड्स कॉल्ड वादीज, वैली, सहराओं में क्या होते हैं, रिवर, ड्राई रिवर बेड्स भी होते हैं, मतलब पानी स्टोरेज करने के लिए कहीं कहीं पे वादीज भी बनी होती हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी रेन एट ऑल, अ वादी कैन फ्लड विद इन मिनट्स, अगर कभी कभी बारिश हो भी जाए तो ये जो वादी होती है, ये वैली होती है, ये बहने लग जाती है, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 17। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ अ डिजर्ट देयर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, परहैप्स इट इज़ अ स्प्रिंग और अ वाटर होल, कभी कभी सहरा के वस्त में पानी का सोर्स होता है, ठीक है, परहैप्स इट इज़ अ स्प्रिंग, पानी का चश्मा भी हो सकता है, और ए वाटर होल या कोई पानी का गढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। Trees such as the date palm and other hardy plants can grow around it. वहाँ पे दरख्त उग सकते हैं, कौन से, खजूर के दरख्त उग सकते हैं उसके इर्द गिर्द, और या फिर